लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वायनाड क्यों यहां हैदराबाद को। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं इन दोनों से इतर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग ही राग अलापते हुए नजर आ रही हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अब राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा, वायनाड छोड़ो, हैदराबाद से चुनाव लड़ो। ओवैसी का ये बयान सुन कांग्रेस तो हैरान है ही। एक बार फिर ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर पुकारा जाने लगा है। जरा सुनिए राहुल गांधी को कैसे खुली चुनौती दे रही हैं ओवैसी। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वायनाड क्यों यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाके प्यारे लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमों का लूट जाना पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है। हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के दो एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मेयर इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, दो खिलाफ में पड़े, दो। स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप दो हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए।